नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने चैनल वुड फेस में। अगर आप लोग अपने एक्सटीरियर एलिवेशन के लिए कोई नया लेटेस्ट और खूबसूरत प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं जो कि आपके एक्सटीरियर को खूबसूरत के साथ साथ एक नेचुरल ब्यूटी भी दे और वर्क कैपेबिलिटी भी बढ़ाए और लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो अगर चैनल पर अगर पहली पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से इंटीरियर से रिलेटेड वीडियोज़ आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं WPC एक्सटीरियर लूवर्स के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे हाथ में जो सैंपल है ये है राइनो आर्च एक्सटीरियर लूवर्स, जो कि आता है एलेस्टोन कंपनी की तरफ से। और ये प्रोडक्ट का वैसे नाम है राइनो आर्च एक्सटीरियर लूवर्स। और जो एलेस्टोन जो कंपनी है, आप लोग जानते होंगे एलेस्टोन कंपनी के बारे में, ये है दिल्ली बेस्ड कंपनी और WPC इंडस्ट्री की ये एक बहुत ही टॉप मोस्ट मतलब ब्रांड है। और काफ़ी बड़ी एक्सटीरियर की इनकी रेंज भी आती है, प्लस बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनके हर जगह आपको डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हर जगह मिल जाएंगे। तो इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट पहले से ही आते हैं, जैसे कि आज तो हम देखने वाले हैं खासतौर पर ये एक्सटीरियर लूवर्स। इससे पहले इनके HPL सीट्स भी आती है जो कि एक्सटीरियर में लगता है। उसके अलावा जैसे कि इनके WPC बोर्ड हो गया, डोर्स हो गया, डोर फ्रेम हो गया, ये सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इंडिया के मतलब कि इंडिया के बाहर भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको दिखाने का कारण यही है, काफ़ी लोग मतलब कि हमसे भी डायरेक्ट मतलब कि इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या कमेंट के थ्रू काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि एक्सटीरियर के लिए और क्या ऑप्शन है वो बताइए। और आप लोगों ने जरूर देखा होगा आजकल जो एक्सटीरियर एलिवेशन में इस तरीके के प्रोडक्ट काफ़ी लग रहे हैं आज के दिन में। और ख़ास तौर पे इसको इसलिए भी पसंद किया जाता है क्योंकि इंटीरियर में भी इस तरीके के लूवर्स आने लगे हैं। और काफ़ी सारी कंपनियां हैं इस मतलब की इंडस्ट्री की जो कि इस तरीके की लूवर्स पैटर्न बना रही हैं या इम्पोर्ट कर रही हैं इस तरीके के प्रोडक्ट्स। इंटीरियर में ज़्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, आर्किटेक्ट इंटीरियर काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये सिमिलर पैटर्न एक ग्रूव वाला ना आपको बहुत ही एक स्मूथ फीलिंग देता है। कोई आंखों में चुभन नहीं, कोई ज़्यादा मतलब कि बल्कि प्रोडक्ट नहीं, और एक नेचुरल लुक के साथ साथ बहुत ही, जैसे कि ये 100% वाटर प्रूफ भी होता है, टर्माइट प्रूफ भी होता है, बॉर्डर प्रूफ भी होता है। और जैसे कि इंटीरियर वाला तो इंटीरियर के लिए है, बाकी एक्सटीरियर वाला खास तौर पे आपके लिए एक्सटीरियर के लिए ही बनाया गया है जो कि धूप, बारिश, पानी इन सब से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसमें एक नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ ड्यूरेबिलिटी भी है। और जैसे कि ये होलो पैनल है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कमज़ोर प्रोडक्ट होगा, बहुत ही हैवी प्रोडक्ट है ये। और ये एक इंटरलॉकिंग प्रोडक्ट है, जैसे कि ये इंटरलॉक, ये जो आपको गैप दिख रहा है क्योंकि इतना ही साइज है इसका। दूसरा पैनल जब इसके साथ में लगेगा, एक तो स्क्रू छुप जाता है जब इसके ऊपर दूसरा पैनल आता है, तो एक ये ऐसा प्रोडक्ट है कि कितने भी बड़े वॉल पे आप लगाते जाइए लेकिन सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी खासियत है, जॉइंटलेस होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर बात करें इसके साइज की तो कंपनी की तरफ से जो आपको साइज मिलता है वो आपको है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, तो इसमें लेंथ जो है आपको वो दो तरीके के मिल जाती है, जैसे कि 24 mm और उसके अलावा जैसे 2897 mm। जैसे कि 2400 mm समझिए तो 8 फुट का हो गया, उसके अलावा जो 2897 mm हो गया लगभग आपका 9.5 फिट का हो गया। विड्थ आपको मिलती है 219 mm जो कि होता है लगभग लगभग आपका मतलब कि 9 साढ़े 9 इंच के आसपास का आपको विड्थ मिल जाता है। और टोटल थिकनेस में जैसे कि 25 mm भी है, उसके अलावा हमारे पास जो सैंपल था वो 30 mm का भी है। तो बाकी जो बहुत लोग पूछते हैं कि पर बॉक्स में कितनी पैकिंग आती है, जैसे कि कितने पीस की पैकिंग आती है, तो 4 पीस का एक बॉक्स होता है और उसमें जो एरिया कवर होता है लगभग जो है 22.63 स्क्वायर फिट के आसपास का एरिया कवर होता है। और लगभग इसमें जो डिज़ाइंस वगैरह जो आते हैं और कलर आते हैं, तो डिज़ाइन तो जैसे सिमिलर है, आपने देखा स्ट्रेट कूविंग प्रूविंग टाइप का इसमें डिज़ाइंस है। और इसमें जो कलर्स आपको मिलते हैं वो आपको ज़्यादातर वुडन कलर्स मिलते हैं, जैसे वेंगे वॉलनट या उससे थोड़ा सा हल्के टोन में, या उसके अलावा जैसे कि सॉलिड कलर में मिल जाता है, ब्लैक, ग्रे या थोड़ा सा ब्राउनी कलर में। तो इस तरीके से आपको दो तीन तरह के मतलब कि आपको उसमें कलर्स मिलते हैं। ज़्यादा कोई कलर्स इसमें अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक्सटीरियर में ज़्यादातर ये दो ही कलर चल रहे हैं आज के दिन में जो पसंद करते हैं लोग, या तो सॉलिड कलर लगाते हैं या आपको जो वुडन कलर पसंद किया जाता है। तो दो तरीके के कलर्स या तीन तरीके के कलर्स आपको इसमें मिलते हैं, और ऐसे कलर हैं कि मतलब कि आपको पसंद ज़रूर आने वाला है। और
इसके अलावा अगर बात करें इसमें कि किस तरीके से इसको लगाया जाता है, तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि एक्सटीरियर में अगर आप लगवाना चाहते हैं तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो पहले से एक्सटीरियर में लोग लगाते हैं, जैसे कि HPL सीट है, CP सीट्स वगैरह, या कोई वुडन फ्रेमवर्क कराना है तो उसी तरीके से ये भी प्रोडक्ट लगता है। इसको आप डायरेक्ट वॉल पे भी लगा सकते हैं, या जो आज के दिन में एल्यूमिनियम चैनल हो गया या अदर जो भी चैनल्स होते हैं उसके ऊपर आप इसको मतलब इसकी पैनलिंग कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी बिल्डिंग से थोड़ा सा बाहर रखना चाहें तो वो एल्यूमिनियम सेक्शन पे आप पैनलिंग कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट वॉल पे भी आप कर सकते हैं। और इसको लगाने के लिए जैसे कि आप जो एक्सटीरियर के जो फैब्रिकेटर होते हैं उनसे आप उनको आप हायर कर सकते हैं, वो लोग आपका इस तरीके का काम करते हैं, जो भी ACP वर्क करते हैं या जो HPL सीट्स वगैरह लगाते हैं, तो वो इस प्रोडक्ट को आपको आपके जो एक्सटीरियर एलिवेशन में जो है लगा लगा सकते हैं, तो उनको आप हायर कर सकते हैं। उनके जो चार्जेस होते हैं वो लगभग आपको 100 रुपये से लगभग आपके डिज़ाइंस और किस तरीके से आप लगवा रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कि 100 रुपये से स्टार्टिंग है, बाकी आपकी रेंज लगभग 200 रुपये तक जा सकती है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और इस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये कंपनी जो है इसकी जो प्राइसिंग है मार्केट में वो लगभग 250 से 300 रुपये स्क्वायर फीट है। तो लगभग अगर बात करें इस प्रोडक्ट को लगाने के का खर्चा तो लगभग आपका 350 से 400 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपका जा सकता है, 400 रुपये तक का। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल लेटेस्ट है, ट्रेंडिंग है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं और इंटीरियर आर्किटेक्ट खासतौर पर रिकमेंड कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। और आप लोगों ने भी देखा होगा आज के दिन में इस तरीके के साइट्स पे लगते हुए इस तरीके के प्रोडक्ट्स को। इंटीरियर में भी सिमिलर प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि उसमें तो काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। हाँ, इसमें आज के दिन में थोड़ा सा कम ऑप्शन है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़े से ऑप्शन बढ़ें कलर में या डिज़ाइन में या पैटर्न में, तो हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस चैनल पे जुड़े रहें और इस चैनल पे आपको इंटीरियर से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कि आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको इंटीरियर से रिलेटेड काफ़ी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए।